अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शेयर करूंगी चीज़ बॉल बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और जितनी ये बनाने में आसान है उतनी ये टेस्ट में बहुत अच्छी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अब देखेंगे इसे बनाने का तरीका। 250 ग्राम बॉइल्ड आलू लेंगे और थोड़े से कॉर्न और थोड़े से ऑरेंज कैरेट एक टेबल स्पून के जितना, एक टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, एक टी स्पून चाट मसाला, एक टी स्पून चिली फ्लेक्स, एक टी स्पून गार्लिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट एक टीस्पून नमक है, थोड़े से चॉप्ड हरा धनिया, दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और मोज़रेला चीज़ स्टफिंग के लिए। चीज़ स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे इसीलिए चीज़ अभी ऐड नहीं करेंगे। अब सारी चीज़ें आलू में ऐड कर लेंगे। कॉर्न और ऑरेंज कैरेट के बदले इसमें दूसरे वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करने से इसमें टेस्ट आएगा पर कलर नहीं आएगा, पर चिली फ्लेक्स के बदले इसमें रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और गार्लिक पाउडर इसमें ऑप्शनल है। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ये अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे से बाइंडिंग होंगी, पर कॉर्नफ्लावर के बदले इसमें ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि सारी चीज़ें आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और आलू को ओवर कुक नहीं करेंगे वरना इसमें मॉइस्ट आ जाएगा, ये एकदम नरम हो जाएंगे। इस तरह से मिक्सचर रेडी करने के बाद अब इसमें स्टफिंग करेंगे। अब थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे, क्वांटिटी अपने हिसाब से लेंगे, थोड़ा सा राउंड करेंगे और फिर इसके बीच में डिप करेंगे चीज़ स्टफ करने के लिए। और इस तरह से डिप करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ रखेंगे, चीज़ की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से रखेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि फ्राई होने के वक्त चीज़ मेल्ट होकर बाहर ना निकले। और इसे फिर से चारों तरफ से रोल कर लेंगे अच्छी तरह से और इस तरह से सारे चीज़ बॉल्स रेडी करेंगे। इस तरह से रेडी कर लें। अब इस तरह से चीज़ स्टफ करने के बाद इसकी कोटिंग करेंगे। अब मैदे के आटे का घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैदे के आटे में पानी ऐड करेंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे और इसका पतला बैटर बनाएंगे। इस तरह से पतला बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। अब आटे का घोल तैयार करने के बाद इसके अंदर एक चीज़ बॉल लेकर डीप करेंगे, अच्छे से डीप करेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करेंगे। मैदे का घोल थोड़ा पतला बनाएंगे ताकि ये इसके ऊपर ज़्यादा स्टिक नहीं हो जाए। अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छे से फैलाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से होने से चीज़ मेल्ट होकर बाहर नहीं आएंगे, इसीलिए इसे चारों तरफ से अच्छे से कोट करेंगे और इस तरह से करने से एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर से निकल जाएगा और इस तरह से कोट कर लेंगे। अगर आलू का मिक्सचर थोड़ा पतला हो जाएगा तो उसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख लेंगे और जब वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा फिर उसकी कोटिंग करेंगे, या उसे इस तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ब्रेड क्रम्स को अच्छे से कोट करेंगे ताकि फ्राई करने के वक्त चीज़ मेल्ट होकर बाहर ना निकले और इस तरह से सारे चीज़ बॉल की कोटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से कोटिंग कर लेने के बाद इसे फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा तेल गरम कर लेंगे और जब तेल गरम हो जाएगा तब इसमें चीज़ बॉल्स ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई करेंगे। अब 2 से 3 मिनट एक साइड फ्राई करने के बाद इसे टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड भी इसे कलर आने तक फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगे और लो फ्लेम पर फ्राई करने से इसमें एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब एक साइड इसके कलर आ गया है तो दूसरे साइड भी इसी तरह से इसे फ्राई करेंगे। अब 1 से 2 मिनट हो गए तो दूसरे साइड भी इसे टर्न करके चेक कर लेंगे तो दूसरे साइड से भी ये अच्छे से फ्राई हो गए
अब इसे एक एब्जॉर्बिंग पेपर पर डिश आउट कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे चीज़ बॉल्स भी फ्राई कर लेंगे। तो अब चीज़ बॉल्स बन के रेडी है, अब इसे चेक कर लेंगे। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और करारे है और फ्राई भी अच्छी तरह से हुए हैं। अब इसे अंदर से भी चेक कर लेंगे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी बने हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट, नरम और एकदम चीज़ी बने हैं। आप भी इसी मेथड से इसे ट्राई कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। एकदम सॉफ्ट और चीज़ी है ये अंदर से, और हेल्दी रेसिपी है ये। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।